अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और अपने अपने घरों में सर्दियाँ एंजॉय कर रहे होंगे। आज हम लोग जा रहे हैं विलेज, क्योंकि उधर बनना है गुड़। तो मैंने उन लोगों को कहा हुआ था कि जैसे ही गुड़ बनेगा आपने मुझे बुलाना है, मैं अपने व्यूअर्स के साथ गुड़ बनना शेयर करना चाह रही थी। तो खैर, अब मैंने तैयारी भी करनी है, हमने बस सुबह से शाम तक के लिए आना जाना ही करना है। मैंने बड़ी मुश्किल से अपने हस्बैंड असद को भी बनाया कि हम जाएं और वीडियो क्लिप्स मैं थोड़े से आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। होप मिल जाए, उन्होंने शाम में बनाना है क्योंकि वो आपको पता है उसके लिए गन्ने काटते हैं और उसका रस, मेरे ख्याल से वो तो नहीं मैं शेयर कर सकूँगी वो, क्योंकि उसमें मुझे देर हो जाएगी हमें पहुँचते हुए। तो मुझे सिर्फ ये है कि वो जब वो क्या होता है, गन्ने का जो रस होता है उसे बड़े पतीले में निकाल के जो पूरा प्रोसेस होता है, मैं किसी तरह से वो पकने वाला आपसे शेयर कर सकूं कि वो क्या होता है। मैं और आयमा तो बहुत एक्साइटेड है कि पता नहीं क्या होने वाला है। तो फिर आई होप कि हमें भी मज़ा आए। फिर मैं आपसे सारे वो सारे लिंक्स शेयर करूंगी कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। और आप लोग कह रहे होंगे क्या ये हर वक्त इसी एक जैकेट में होती है, आई फील ऑकवर्ड वेन एवर आई मतलब ट्राई टू मेक वीडियो, मेरी ये जैकेट होती है। बट मैं क्या करूँ, इट्स वेरी वार्म एंड इट्स माई फेवरेट। सो मिलते हैं गुड़ बनाते हुए। जी व्यूअर्स, ये और हम विलेज पहुंच चुके हैं और ये खाला ने हमारे लिए ज़बरदस्त चाय का अहतमाम किया हुआ है। हालांकि मेरा दिमाग उधर ही लटका हुआ है, अड़ा हुआ है गुड़ बनाने जाने में, लेकिन ये इतनी टैम्पटिंग चीज़ें हैं कि मैंने सोचा नहीं भाई, पहले पेट पूजा करूँगी बाद में गुड़ बनाने के लिए जाऊँगी। हालाँकि मुझे असद भी बोल रहे थे कि पहले चली जाओ, टाइम हो रहा है, सूरज ढल रहा है, फिर वहाँ पर तुम्हें कुछ मिलेगा नहीं। बट आई वॉज भाई नहीं, खाने के आगे कुछ नहीं चलता ना, यही तो कमज़ोरी है मेरी। बहुत यम यम सैंडविचेस हैं, चिकन रोस्ट है, स्पेगेटीज है एंड ऑल दैट, यम यम चाय। हेलो व्यूअर्स, मुझे पहुँचते पहुँचते देर हो चुकी है। ये इस वक्त गन्ने का रस इसके अंदर डल चुका है और वो पक रहा है और मसे मसे का धुआं उठ रहा है। जी व्यूअर्स, और ये गरम गरम पक चुका है और अब ये पतीले में से इसको इस कंटेनर में शिफ्ट कर रहे हैं और इसके अंदर देसी घी भी डाला हुआ है और इतना गर्म है, दो दो लोग लगे हुए हैं। ये औरतें ही नहीं कर रही हैं इधर, मेरे ख्याल से मेल्स ही कर रहे हैं क्योंकि दे आर एक्सपोर्ट। और आयमा और मुझे तो देख देख के इतना मज़ा आ रहा है ना, हमारा दिल कर रहा है कि हमें ये गर्म गर्म ही ना किसी तरह बाउल में मिल जाए और हम स्लाइस पे या फिर बन पे लगा के खाएँ और बहुत ही मज़ा आए। ये देखें, इन्होंने हाथ पे एक में तो पहने हुए हैं, दूसरे को भी चाहिए था कि वो पहन लेता ग्लव्स, क्योंकि अल्लाह ना करे इसका छींटा पड़े, तो आपको पता है नहीं तो शीरा है बिल्कुल ही, कैरेमल तो हाथ इंसान का जल सकता है। खैर, ये कुर्ची निकाल रहे हैं, इसको पता नहीं क्या कहते हैं, एक वर्ड होता है चीरा, हाँ चीरा ही शायद कहते हैं, जो नीचे लगा हुआ होता है, बहुत मज़े का मीठा होता है जो नीचे लगी हुई होती है। अमूमन चावलों के नीचे भी लग जाती है खड़ोड़ी, जिसे अम्मी मेरी बहुत पसंद करती थी, बट मुझे नहीं उसका टेस्ट कभी भी पसंद आया। खैर, बहुत से लोग पसंद करते हैं। आयमा पे भी एक फेज़ आया था, आयमा मुझे कहती थी मुझे थोड़ी सी ये दे दे। खैर जी, ये गुड़ निकल रहा है, अब ये साथ साथ उसके मिक्सिंग किए जा रहे हैं। वाओ अमेजिंग, और ये कोई एक्सपर्ट ही कर सकता है, हम जैसा आम बंदा वो उसके स्टाइल चेक करें ज़रा। ये मिक्सिंग कर रहे हैं गुड़ की, क्योंकि वो साथ साथ नीचे से सर्दियाँ हैं ना, तो नीचे लग वो क्या कहते हैं हल्का हल्का ना सख्त होना भी शुरू हो रहा है, इसलिए वो साथ साथ ना ऊपर जो देसी घी वगैरह डला हुआ है ना उसको सारा मिक्स कर रहे हैं। देख के ही मुँह में पानी आ रहा है, यम 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 यम। जब मैं ये खाऊंगी तो मैं ये सोच रही हूँ तब मुझे किस कदर मज़ा आएगा। कुछ मेवा जात साइड पर पड़े मुझे नज़र आ रहे हैं, लें जी वो डलने लग गए हैं। इसमें चने हैं, गिरी है, सौंफ लग रही है और वो क्या होते हैं तेल लग रहे हैं, इस किस्म के सारे खुश्क मेवा जाते हैं। आपको पता है फिर खाने का तो मज़ा इन्हीं के साथ ही आता है, और अंदर सौंफ देसी घी भी है ना, तो सही सर्दियों के सौगात है। गरम गरम दूध के साथ या चाय के साथ एक डली बंदा ले ले खाने के बाद तो बहुत ही मज़ा आता है। बट लेकिन मोटापे का भी ये सही सोर्स है, लेकिन खैर है सर्दियों में तो फिर चलता है ना थोड़ा बहुत। मिक्सिंग स्टार्ट हो गई है और मुझे देखे चने भी डले हुए हैं, हाँ ये चने सामने जो नज़र आ रहे हैं, चने बहुत ही टेम्पटिंग लग रहे हैं। अब पता नहीं इसको किस तरह शेप देंगे, तो खैर मर्जी है बंदे की, इंसान इसको किसी भी तरह की शेप दे दे, लेकिन यहाँ पे ये लोग गोल शेप देते हैं चक जाफर में, तो बहुत ही मज़े का नज़ारा है। माउथ वाटरिंग जिसे सही कहते हैं, मीठा मीठा। और जी मैं और आयमा तो इसको सही लेके जाएंगे शॉपर भर के अपने घर, और फिर हम तो सही से इंजॉय करेंगे और फिर आप लोगों को हम दिखाएंगे कि हम किस तरह से ये अम्मी करीब से देखें। आप लोग वेरी नाइस, आई जस्ट लव्ड इट। जी व्यूअर्स, अब ये ड्राई हो गया तो इसको शेप दे रही हैं, हाथों को ना हल्का सा गीला कर करके इसको टिक्कियों टाइप शेप दी जा रही है, मज़े मज़े का लग रहा है। लें जी, यहाँ पे जी पूरा ढेर तैयार हो चुका है गुड़ का, मैंने अपना बॉक्स और शॉपर दोनों तैयार करवा लेने हैं, यहाँ से लेके जाएंगे। तो ये था मैंने गुड़ बनने का तरीका जो मैंने सोचा आपसे शेयर किया जाए।
जी जनाब, और मुझे मिल गया और मैं अपना प्लेट चाय के साथ लेने लगी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। रात को ये हमें कोई मिला था 6 बजे के करीब ना, हम पहुँचे हैं। तो मैं जैसे ही पहुँचूँ तो चाय लगी हुई थी, हमने फटाफट, आपको पता है फिर चाय तो स्पिंटर्स में कोई भी नहीं छोड़ता, खाला ने बहुत अच्छा चाय का इंतज़ाम किया हुआ था, थैंक यू खाला फॉर दिस। फिर क्या कहते हैं, हमने फटाफट भागने की कि हम जाके देखें। तो उस वक्त तक उधर इतना रश जमा हो चुका था गांव के लोगों का कि बस मैंने भी फटाफट ही क्लिप बनाने की। तो आई होप आप लोग जब गुड़ बनाना देखेंगे, और मैंने खैर अभी टेस्ट नहीं किया क्योंकि बताया उन्होंने रात पहुँचे, फिर वो आपको पता है थोड़ा सा सख्त, उनमें जब सख्त हुआ फिर वो हार्ड होता है, फिर खाते हैं। जब मैं खाने की वीडियो बनाऊंगी तो आई विल शेयर विद यू ऑल। आप सब लोग अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मैं आज बहुत ही लेट उठी हूँ, ज़्यादा बताया रात को कैसे का शूट था, सुबह तो हम लोग ने सुबह सुबह उठे थे, ट्रैवल किया वापस आए लाहौर, और मैं फिर बच्चे भी अभी सो के उठे हैं, तो अब हम लोग करेंगे नाश्ता। तो और आप लोग अपना इन्जॉय करें, होप आप लोगों को अच्छी लगेगी वीडियो। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू कमेंट्स। बाय बाय, सी यू ऑल।